हेलो फ्रेंड्स, आपण मानंकु ओ ट्रिपल एसी कंबाइंड एग्जाम मैथमेटिक्स मॉक टेस्ट क्लास टू को स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज आम 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करवा जहाँकि आपण एग्जाम आसवर बहुत संभावना रोचे। तो निहाती भाव 15 मिनिट समय देखिए भिडियोटी को मूल शेष पर्यंत देखु। देखो प्रथम प्रश्न अच्छी यही लेवेलर क्वेश्चन ही आसो, हाउ मेनि 3 डिजिट नंबर आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय 17। हाउ मेनि 3 डिजिट नंबर आर देयर माने केतोटी तीन अंक विशिष्ट संख्या अच्छी जहाँकि 17 द्वारा विभाज्य हेब। केतोटी तीन अंक विशिष्ट संख्या अच्छी जहाँकि 17 द्वारा विभाज्य हेब। तो केतोटी तीन अंक विशिष्ट संख्या अच्छी माने कौन 999 पर्यंत केते ठारु आरंभ होइकि 100 ठारु आरंभ होइकि। तो ये 100 रु 999 भितरे एमिती केतोटी संख्या अच्छी जहाँकि 17 द्वारा विभाज्य हेब, एटा होची क्वेश्चन। तो यार सर्टकट ट्रिक हैला, एटा बेसी किछि करिवार नाही। तो आम को कौन करार अच्छे जेहेतु 100 रु आम को 999 भितर बाहर करार अच्छे। तो आम कौन करवा प्रथम 1 रु 1000 भितर बाहर करदे, 1 रु 1000 भितर बाहर करदे। तापर आम कौन करवा 1 रु 100 भितर माइनस करदे, 100 तो सेमती 17 द्वारा विभाज्य हे ना, 1 रु 100 भितर माइनस करदे। ता अर्थ है जे 101 रु 999 पर्यंत एटा रहीगला। तो यहाँ केमी कर देखु आमे कौन करिबा प्रथमे 1000 को 17 द्वारा भाग कर देबा। तापर कौन करिबा 1 रु 100 भितर केतोटी अछि सेटा माइनस कर देबा, ता अर्थ 100 को 17 द्वारा हरण कर देबा। जहाँ भी आंसर हेबो सेटा होजी करेक्ट आंसर। तो प्रथमे 1000 को 17 रे भाग करिबा माने कौन तीन अंक विशिष्ट संख्या कहू माने कौन 1000 पर्यंत ता अर्थ। तो से 1000 रे 17 डिवाइड करागला एवं 1 रु 100 भितर जहाँ अच्छे जेहतु माइनस करुचे से 100 रे 17 डिवाइड करागला। तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे 17 100 जोटा मानने 17 रे केते मल्टीप्लाय कले 100 हे पाखापाखि आम 5 कले 85 हो 17 रे 6 कले 102 हो जाए। तो से यहाँ के 5 जीव 17 पंचा 85। तो तापर आसला 150 होगा, 150 होगा मानने यहाँ 17 गुण 8 जीव आउ जहाँ रही सेटा आउ नेबा नाही। 17 गुण 8 के आपण 8 7 56 5 8 8 5 13 136 136 मैंने 14 रहीगला। तो आउ जीव ना, तो आम ये पूर्ण संख्या ना भागफल जहाँ बाहर आपड़ जब एमती हरण करते 1000 हरण जब 17 करते ये जहाँ रोचे ये के 58 रागफल जहाँ हे भागशेष जहाँ होता आम चिंता करवा नहीं, भागफल जहाँ हे ये लिखीदे माइनस सेमती 17 को 100 को 17 रे हरण कले 17 पंचा 85। 100 को जो यही हिसाब से आपड़ करेंगे 17 को कले 17 पंचा 85 भाग शेष 15 रहा आसब ना। तो केवल आम भागफल को लिखा, तो 58 माइनस 5 टा के 53 हे करेक्ट आंसर। तो यही हिसाब से करेंगे जदि 12 द्वारा डिविजिबल को 12 हरण करते। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन अमाउंट विल डबल इटसेल्फ इन 8 इयर्स। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट माने केते परसेंट सरल सुध हार रे, केते परसेंट सरल सुध हार रे कौन हेबो अमाउंटा सर्टेन अमाउंट विल डबल इटसेल्फ माने जेते मूलधन थिबो सेटा डबल हो जिवो, मूलधनटा द्विगुण हो जिवो, द्विगुण हो जिवो केते टाइम रे 8 वर्ष रे। ता अर्थ मूलधन द्विगुण हो जाए माने कौन तुम्हें 100 टाँग जब उधारी नहीं फेर 200 टाँगा, ता अर्थ कौन जिते मूलधन थिला सेते सुध हो गला। तो यही केस रे सुध एवं मूलधन समान, तो सेटा को लेकिन आम यार आंसर करवा। तो मैं मूलधनटा जेहेतु डबल हो जाए ता अर्थ सुध सहित मूलधन समान। तापर आई इक्वल टू फर्मूला पकेबा PTR/100, आई इक्वल टू PTR/100। तो आईटा के मूलधन सहित समान एवं आम कौन करवा मूलधन को पी नहीं जावा, मूलधन को केते नहीं जावा पी नहीं जावा, मूलधन को पी नहीं जावा। तो आई जगह आम कौन लिखिपर आई जगह पी लिखिपर पी तापर टी टाइमटा आम को केते वर्ष दिखाई 8 वर्ष दिखाई सुध हार मागी तो आर को आर था डिवाइडेड बाय 100। तो ये एवं कौन करवा पी पी कटिज पी पी कटिगला आर इक्वल टू कौन हो शहेटा से साइड को गला आउ आर टा तल को आसला आर इक्वल टू 100 विभक्त को 8। आर इक्वल टू के 100 विभक्त को 8 जोटा कि 12
ଆପଣଙ୍କର 12টা 96 96 মানে কি 4 বিভক্ত 8 তো 4 বিভক্ত 8 কো কাটি দিলে 1 বিভক্ত 2 12 পূর্ণ 1 বিভক্ত 2 তো এই প্রশ্ন আমি করিবা তো দেখুন এটি লেখা হয়েছে এ কিউবিকাল উডেন ব্লক অফ সাইড 9 সেন্টিমিটার হ্যাজ বিন কট ইন্টু স্মল কিউবস অফ সাইড 3 সেন্টিমিটার ইচ দি রেশিও অফ সরফেস এরিয়া অফ উডেন ব্লক টু দি টোটাল সরফেস এরিয়া অফ নিউ কিউবস মেড ইচ তো এটি কোশ্চেন হল যে গোটে কিউবিকাল উডেন ব্লক অছি যার সাইডটা হল 9 সেন্টিমিটার 9 সেন্টিমিটার তো এইটা কোণ করিবা 3 সেন্টিমিটার বিশিষ্ট কিউব কাট কিউবরে কনভার্ট করিবা মানে 3 3 সেন্টিমিটার সাইড বিশিষ্ট କ୍ୟୁବରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ଦି ରେସିଓ ଅଫ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ମାନେ ଏଇ ବଡ଼ କ୍ୟୁବର ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଟୋଟାଲ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ପ୍ଲସ୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଏ କ'ଣ କରିବା କେତେଟା କ୍ୟୁବ ବାହାରିଲା ତାର ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ତ ସେଇଟାର ରେସିଓଟା କେତେ ବୋଲି କହିଛି ତ ଉଡ଼େନ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଯେହେତୁ ଆମେ କହିଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେତୋଟି ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟୁବ ବାହାରିଲା ତ ଆୟତନକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବା ମାନେ ବଡ଼ କ୍ୟୁବର ଆୟତନ ହେଲା କେତେ 9 × 9 × 9 ଆଉ ସାନ କ୍ୟୁବର ଆୟତନ କେତେ 3 × 3 × 3 ତ କେତେଟା କ୍ୟୁବ ବାହାରିଲା ତ ଏଇଟା 3 3 କଟିଗଲା ଏଇଟା 3 3 9 3 3 9 ତ 3 3 9 3 ସତେଇଶ 27টা କ୍ୟୁବ ବାହାରିଗଲା ତ ବଡ଼ କ୍ୟୁବର ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ କେତେ କ୍ୟୁବର ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ହୁଏ 6 × a² ଆଉ ସାନ କ୍ୟୁବର କେତେ ହେବ 6 × b² ସପୋଜ୍ ଆଉ ସେ କେତେଟା ବାହାରୁଛି 27টা ବାହାରିଛି ତ 27 × 6 × b² 6 × a² ଏ ସ୍କୋୟାର ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେ ବସିବା ବାହୁଟା କେତେ 9 সেমি ବୋଲି କହିଛି 9 ର ସ୍କୋୟାର ତାପରେ 27 × 6 × b² କେତେ 3 সেমি ଯେଉଁଟା କୁହାହେଇଛି ଛୋଟ କ୍ୟୁବର 3 ର ସ୍କୋୟାର ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିବା ତାପରେ ଏଇଟା 9 × 9 ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେ ହେଇଯିବ 9 × 9 ହେଇଯିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ 3 ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ 3 × 3 ହେଇଯିବ ତ ଏବେ କାଟିଦେବା ଏଇଟା 3 3 9 ଦେଖ 3 3 9 ମାନେ ଗୋଟିଏ 9 କଟିଗଲା 9 3 37 କଟିଗଲା ଏଇଟା ତାପରେ 6 6 କଟିଗଲା ତ ଏଇଟା ହେଲା 1 অনুপাত 3 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଦି ସିମ୍ପୁଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଏ ସମ୍ ଅଫ୍ ମନି 1/16 ଅଫ୍ ଦି ସମ୍ ଇଫ୍ ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇୟର୍ସ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁମେରିକାଲି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦି ରେଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ପର୍ ଏନମ୍ ଦେନ୍ ଦି ରେଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ତ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦି ସିମ୍ପୁଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଏ ସମ୍ ଅଫ୍ ମନି 1/16 ଅଫ୍ ଦି ସମ୍ ସିମ୍ପୁଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା କେତେ ହେଇଛି ଆଇଟା କେତେ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲର 16 ଭାଗରୁ ଭାଗ ହେଇଗଲା ତାପରେ କହିଛି ଇଫ୍ ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇୟର୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁମେରିକାଲି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦି ରେଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ଦିଆହେଇଛି ତାହେଲେ ଦି ରେଟ୍ ପରସେଣ୍ଟଟା କେତେ ତ ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବା ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପିଟିଆର୍ ବାଇ 100 ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପିଟିଆର୍ ବାଇ 100 ତ ଆଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେ ବସେଇ ପାରିବା p/16 ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଉପରେ ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ଲେଖୁଛି ପିଟିଆର୍ ବାଇ 100 ତ ଆଇ ଜାଗାରେ କେତେ ବସେଇବା p/16 ବସେଇ ପାରିବା ତାପରେ ପି ଜାଗାରେ ପି ଥାଉ ଟାଇମ୍ ଜାଗାରେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଜାଗାରେ ଟି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ବୋଲି କହିଛି ଆର୍ ବସେଇବା ଆଉ ଆର୍ ଜାଗାରେ ଆର୍ ବସେଇବ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100 ଏଇଟା ପି ପି କଟିଗଲା ଏଇଟା ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଖ 1/16 1/16 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 100 ହେଇଗଲା 1/16 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 100 ହେଇଗଲା ତାପରେ ଚେୟାରରେ ଆମେ କାଟି ଦେଇପାରିବା 4 4 16 ଏଇଟା 25ରେ କଟିଯିବ 25 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 r² 25 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 r² ତାହେଲେ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଲା 25/4 ତାହେଲେ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଲା 25/4 ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଗମୂଲ 25/4 ବର୍ଗମୂଲ ହେଲା 5 2 5 2 ମାନେ 2.5 ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇମ୍ ରେଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ 2.5% ତାପରେ ଦେଖିବା ଏ ଗୋଲ୍ଡ ବ୍ରାସଲେଟ୍ ଇଜ୍ ସୋଲ୍ଡ ଫର୍ RS 14,500 ଆଟ୍ ଲସ୍ ଅଫ୍ 20% ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗୋଲ୍ଡ ବ୍ରାସଲେଟ୍ ମାନେ 14,500ରେ ବିକିବାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା 20% କ୍ଷତି ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗୋଲ୍ଡ ବ୍ରାସଲେଟ୍ ମନେକର ଗୋଲ୍ଡ ବ୍ରାସଲେଟ୍ର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା ଏକ୍ସ 20% କ୍ଷତି ହେଇଛି ମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟରେ ବିକା ହେଇଛି 100% ଟୋଟାଲ 100%ରୁ ଯଦି 20% କ୍ଷତି ହେଲା ମାନେ 80%ରେ ବିକା ହେଲା ତ ମାନେ ଏକ୍ସର 80%ରେ ବିକା ହେଇଛି ଏକ୍ସ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ତାହେଲେ ଏକ୍ସର 80%ରେ ବିକା ହେଲା ମାନେ 14,500 14,500ରେ ବିକା ହେଲା ମାନେ 100ରେ ଏକ୍ସର 100%ରେ ବିକିଥିଲେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାନ୍ତା କି ଲାଭ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଏକ୍ସର ଯେହେତୁ 20% କମ୍ରେ ବିକିଲେ ତା ଅର୍ଥ ଏକ୍ସର 80% ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 14,500 ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ 80 ବିଭକ୍ତକ 100 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 14,500 ତାହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 14,500ରେ 100 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବ ଏବଂ 80ଟା ହରଣ ହୋଇଯିବ ତ ଏଇଟା ଆମେ 20ରେ କାଟିପାରିବା 5 ଏବଂ 80 କି 20 50 100 20 4 80
14,500 को 4 रे काटि दे परबा आपन को हेगला 4 3 12 25 424 10 4 2 8 4 5 20 तो एटा को मल्टीप्लाई करले 18125 हे जइबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बिफोर 7 इयर द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 3:4 आफ्टर 9 इयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 7:8 द प्रेजेंट एज ऑफ बी विल बी तो देखंतु 7 वर्ष तळे ए आ बी रो रेशियो केते थिला 3:4 थिला माने कर 3x जणे कर एवं आ जणे कर 4x एटा 7 वर्ष तळे तो वर्तमान वयस केते हेबो 7 7 ऐड हे जइबो ठीक अछि तापर 9 वर्ष पर से मानकर रेशियोटा केते हेबो 7:8 हेबो तो वर्तमान वयस एटा 3x + 7 आ जणे कर 4x + 7 तो 9 9 ऐड कर देबा 9 वर्ष पर तो केते हे जइबो अनुपात 7 / 8 हे जइबो तो 3x + 16 एटा 4x + 16 3x + 16 4x + 16 इक्वल टू हेला 7 / 8 तापर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देबा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करले कोन हबो 8 3 24x प्लस 16 अष्टा 16 जाउ 64 16 अष्टा 128 तापर 7 जाउ 28x 16 सदा केते लिखि देबा 742 2 4 7 की 7 4 1112 तापर कोन करबा 28x रु ए 24x गला केते हला 4x 4x एवं 128 रु 112 गला केते हेबो 16 ताहिले x इक्वल टू हेगला 4 4x इक्वल टू 16 x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4 जदी हला ताहिले सेमानंकर वर्तमान वयस केते केते कहि छी वर्तमान वयस कार कहि छी बी रो कहि छी बी रो कहि छी बी रो वर्तमान वयस केते 4x + 7 तार अर्थ तापरे आपनकर 4 चाउ 16 16 आ 7 हला 23 जेहेतु x रो वैल्यूटा 4 बाहरि थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड ए अलोन कैन डू इट इन 18 डेज इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू इट तो ए और बी मिसी के केते दिन रे सारंती 12 दिन रे सारंती ए एकला केते दिन रे सारे 18 दिन रे सारे ताहिले बी टा एकला केते दिन रे सारिबो एटा हला क्वेश्चन तो ए और बी जेतु 12 दिन रे करंती गोटिए दिन रे केते काम करिवे एक विभक्त को 12 करिवे ए एकला गोटिए दिन रे केते करिवो एक विभक्त को 18 करिवो देखो एटा ए आउ बी मिसि कि एक दिन रो काम एटा हला ए रो एकला एक दिन रो काम ताहिले बी रो एकला एक दिन रो काम केते हेबो एई एक विभक्त को 12 रु एक विभक्त को 18 को माइनस कर देबा आंसर बाहरि जइबो एक विभक्त को 12 माइनस एक विभक्त को 18 तो एटा लसा गला 36 12 3 36 18 2 36 तो एक विभक्त को 36 एक दिन रे काम करे एक विभक्त को 36 अंश ताहिले संपूर्ण काम करिवा पई केते दिन लागइबो एटा को उल्टे देबा 36 विभक्त को 1 माने 36 दिन हेबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो एठी दिया है जे देखंतु ए ट्रेन पासेस ए स्टैंडिंग मैन इन 6 सेकंड एंड 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफार्म इन 60 सेकंड फाइंड द लेंथ एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन तो गोटिए ट्रेन कोन करे ट्रेन कोन करे गोटिए स्टैंडिंग मैन को 6 सेकंड रे पास करे ता अर्थ गोटि ट्रेन जदी अछि एठी गोटि लोक जदी छेड़ा है जे स्टैंडिंग मैन को 6 सेकंड रे जदी पास करूछि एवं 210 मीटर लॉन्ग प्लेटफार्म को 16 सेकंड रे जदी पास करूछि ताहेले कोनो मागी छि एठी फाइंड द लेंथ एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन तो लेंथ माने कर एक्स नै जीवा लेंथ हे गला एक्स लेंथ ता सब समान रहिबो आपन कर ट्रेन रो लेंथ ता समान रहिबो ता सहित कोन समान रहिबो आपन कर स्पीड भी समान रहिबो तो एठी हमें स्पीड को नेगी करिबा फास्ट केस रे स्पीड रो इक्वली फार्मूला कोन स्पीड इक्वल टू कोन आपन कर जानि छन डिस्टेंस बाय टाइम तो स्पीड फास्ट केस रे स्पीड लागे दे ट्रेन रो डिस्टेंस टा ट्रेन एठी केते डिस्टेंस कवर करू जे लोक को जते बेले कवर करू जी पास करू जी तार निजरो डिस्टेंस से कवर करू छी तो निजरो डिस्टेंस एक्स नै जीवा टाइम टा केते सेकंड को 6 सेकंड तो फास्ट केस रे आपन कर स्पीड ला एक्स बाय 6 तो सेकंड केस रे केते माने सेकंड केस रे जे प्लेटफार्म को कवर करू जी निजरो डिस्टेंस प्लस प्लेटफार्म रो कवर करिवो डिस्टेंस निजरो डिस्टेंस ला डी प्लेटफार्म ला 210 एवं टाइम ला आपन कर 16 तो एई दुईटा देखो फास्ट केस रे स्पीड हला एक्स बाय 6 सेकंड केस रे स्पीड हला आपन कर डी माने निजरो डिस्टेंस जदी हमें एक्स नै जीवा एटी एक्स नै जे फास्ट केस रे ट्रेन रो डिस्टेंस को एक्स नै जे तो एटी मते डी जगह रे एक्स लिखि देबा तो एक्स बाय 6 इक्वल टू कोन होगला एक्स प्लस 210 बाय 16 एक्स बाय 6 इक्वल टू कोन होगला एक्स प्लस 210 बाय 16 तो
आपरे ताको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिबा 16x इक्वल टू 6x प्लस 6 गुण 2 कले 1260 हे जेबो एटा 1260 ताले 10x 16x रु 6x गला के 10x 10x इक्वल टू हेगला 1260 10x इक्वल टू हेगला 1260 10x इक्वल टू 1260 हेगला ताले x इक्वल टू 1260 हरण 10 126 मीटर हेगला आंसर। तो आपण निजे कौन करेंगे स्पीड बाहर करके ये आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए।